नाम राजन सिंह है जी। मैं नेकपारू खालसा दल रचिटोला का तहसील सदर। आज माननीय निर्वाचन आयोग के क्रम में ईवीएम गाड़ी से वोट देने और के क्रम में जागरूकता के क्रम में हम लोग एलईडी वैन लेकर आपके समक्ष हनफिया स्कूल एवं मदरसा खीरीबाग स्कूल के बूथों के सामने आए हैं, जिसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आखिरकार ईवीएम से वोट कैसे दिया जाता है और कैसे ईवीएम की प्रक्रिया कार्य करती है। कि आप जिसका बटन दबाएंगे वो स्क्रीन में दिखाई देगा, उसके नाम की पर्ची दिखेगी, जिसको कि हमने एलईडी के माध्यम से दिखाने का कार्य किया है जो कि अभी तक चलाया। क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? लोगों की उत्सुकता है अपने जानकारी लेने का। अधिकांश लोग जो लोग ईवीएम से वोट देते हैं उनके बारे में उसकी जानकारी है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको उसकी जानकारी नहीं है, जिनका हर सवालों का प्रत्युत जवाब देने की कोशिश। आप क्या चाहते हैं? हम कह रहे हैं कि मशीन का रिजल्ट किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अभी मैंने इनसे शिकायत किया है कि बैलेट पेपर से मतलब चुनाव होना चाहिए, मशीन को क्या क्या मशीन में क्या लग रहा है आपको? मशीन को हैक किया जा रहा है, आप जानते ही हैं। लेखपाल जी बता रहे हैं कि ईवीएम जागरूकता अभियान है, तो इस अभियान का क्या असर पड़ेगा? क्या लोग जुड़ेंगे उनके अभियान से? हमको तो नहीं लग रहा है कि जुड़ेंगे। सारे लोगों आवाम की मांग है कि जो बैलेट पेपर से कराया जाए। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट से चुनाव होना चाहिए, हाँ। क्या वजह क्या है? वजह है ईवीएम में हैक की जाती है, यहाँ से लेके पार्लियामेंट तक जो है लोगों ने बड़े बड़े नेताओं ने इसको दिखा दिया है। सीबीआई सामने होना चाहिए, सामने यूँ करना चाहिए। बैलेट पेपर से होने के बाद जो है जनता संतुष्ट होती है। क्या पारदर्शिता नहीं है क्या ईवीएम में? बिल्कुल नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जनता का जो है सबके सामने हो चुका है, पेपर से होना चाहिए। सब अपना हवा उड़ा रहे हैं, लेखपाल हो चाहे कोई हो। चलिए।